हैवी वन वेलकम बैक टू चैनल लास्ट मिनट रिविजन विद आर एस एम एंड हियर आई एम बैक विद अनदर वीडियो सो दिस इज द पार्ट फोर ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग एमसीक्यूज स्टार्टेड द टी वाई बी कॉम सेमेस्टर सिक्स स्टूडेंट्स एंड इट कैन बी ऑल्सो हेल्पफुल फॉर द बैथ स्टूडेंट्स तो अभी हम जो डिस्कशन करने वाले हैं दिस इज द पार्ट फोर इसके पहले हमने पार्ट वन टू थ्री ऑलरेडी अपलोड कर लिया है तो आपने अगर वो सेशन अपने अब तक नहीं देखे है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है वहाँ से सब कुछ देख सकते हो और इसके जो प्रैक्टिस है वो आप कर सकते हो So, uh, so, एग्जाम आएगी तब तक हम सारे के सारे सब्जेक्ट्स को ऐसे ही तरीके से रिवाइज करने वाले हैं तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर ले ताकि अगले नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे तो शुरू करेंगे पार्ट फोर ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेमस एम सी फॉर द टू थाउजेंड एग्जामिनेशन फर्स्ट क्वेश्चन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आप अगर आप देखोगे तो और एक एम क्यू बन सकता है कि अमालगमेशन का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है तो so, अमालगमेशन का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फोर्टीन बट यहां पे पूछा गया है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फोर्टीन रिकमेंड्स दैट गुडविल जो अराइज होता है हमारे

दिस इज दी पार्ट वेयर वी आर प्रीपेयरिंग लेजर तो हम इक्विटी शेयर होल्डर्स का लेजर प्रिपेयर करते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का लेजर प्रिपेयर करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं इन द बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी वेर वी आर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी एंड वी आर पासिंग सम जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयरिंग द लेजर्स तो ये जो प्रेफरेंसर होल्डर्स अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है उसका जो बैलेंस आता है वो कहा ट्रांसफर होगा तो उसका बैलेंस जो है दैट इज बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन रियलाइजेशन अकाउंट अकाउंट तो ये में ट्रांसफर होता है ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके पेपर में बन सकता है क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे पिच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज डेबिटेड वेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर पेड तो जब हम रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को पे करते हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ओल्ड कंपनी पेमेंट करेगा तो उसकी एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक और अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस न्यू कंपनी पेमेंट करेगा एक्सपेंसेस तो उसकी एंट्री होती है गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक ये आपकी एंट्री होती है बट यहां पे हमें

फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व तो एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व फॉरन प्रोजेक्ट रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व दिस थ्री आर स्टैचु के लिए हम एक एंट्री पास करते हैं अमाल गमेशन में दैट इज अमालमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टैचु रिजर्व अकाउंट फिलहाल यहाँ पे कैपिटल रिजर्व ही ऑडमैन आउट है तो इसका राइट right आंसर बनेगा कैपिटल रिजर्व इज नॉट अ टाइप ऑफ स्टैचु फिफ्थ पॉइंट फॉलोइंग आर मैथड्स ऑफ परचेज कंसिडरेशन तो हम परचेस कंसिडरेशन को कैलकुलेट करते हैं एंड वी कैलकुलेट द परेसिडरेशन एज पर डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स वी हैव द नेट नेट पेमेंट वी हैव इंट्रेंसिक वैल्यू मेथड तो इसका राइट right आंसर बनेगा ऑल ऑफ द अबाव तो ऑल ऑफ द अबाउ मतलब सारे मेथड्स ही आपको परचेज कंसिडरेशन के यूज किए जाते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं पिच ऑफ द फॉलोइंग असेट इज नॉट टेकन ओवर बाय न्यू कंपनी ड्यूरिंग amalgamation. तो so, इनमें से ऐसा कौन सा असेट है जो नया कंपनी जब बिजनेस को टेक ओवर करता है तो वो असेट को नहीं लेता करंट असेट्स इन्वेस्टमेंट्स फिक्स असेट्स प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वेरी सिंपल प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वन ऑफ द असेट विच इज नॉट टेकन ओवर बाय द न्यू कंपनी ड्यूरिंग द अमाल इट इज वन काइंड ऑफ फिक्टीशियस असेट्स विच इज ऑल्सो कॉल्ड एस मिसलेनियस सेवन देखते हैं ऑफ द द फॉलोइंग अकाउंट इज इज क्रेडिटेड रिजर्व कैरीड फॉरवर्ड बाय न्यू कंपनी तो इनमें से कौन सा अकाउंट क्रेडिट किया जाता है जब हम स्टैट्यूटरी रिजर्व को कैरी फॉरवर्ड करते हैं इसके लिए आपको जर्नल एंट्री आनी बहुत जरूरी है इसकी जर्नल एंट्री होती है अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टैचुटरी रिजर्व अकाउंट तो इसका राइट right आंसर बनेगा स्टैटूडरी रिजर्व अकाउंट ही क्रेडिट किया जाता है यहाँ पे क्रेडिट के बारे में पूछा है अगर कभी आपको डेबिट के बारे में पूछे तो इसका राइट आंसर बनेगा फिर अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड विद अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन द स्टॉक पिच ऑफ द फॉलोइंग इज द जर्नल एंट्री फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक स्टॉक टू गुडविल गुडविल टू स्टॉक रियलाइजेशन टू स्टॉक या स्टॉक टू रियलाइजेशन ध्यान रखना वॉट एवर रियलाइज अनरियलाइज प्रॉफिट वी आर कैलकुलेटिंग ऑन द स्टॉक जर्नल एंट्री फॉर द सेम विल बी गुडविल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट सही एंट्री होता है गुडविल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन नंबर नाइन है इनकेस ऑफ अमाल ग लाइबिलिटीज आर टू बी टेकन ओवर एक्सेप्ट तो इनमें से सभी लाइबिलिटीज ली जाती है कौन सी लाइबिलिटीज लिया नहीं जाता क्या पूछ रहा है तो ध्यान से क्वेश्चन को हमें ध्यान से पढ़ना है बिकॉज क्वेश्चन में ही ज्यादा से ज्यादा ट्विस्ट आते हैं तो अमाल जब हम करते हैं तो सारे लाइबिलिटीज को हम लेते हैं एक्सेप्ट शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस को हम नहीं लेते तो इसका राइट right आंसर बनेगा शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस विच वी आर नॉट कंसिडरिंग वाइल कैलकुलेटिंग दी असेट्स एंड लाइबिलिटीज असेट साइड की अगर बात करें तो असेट्स में हम गुडविल को नहीं लेते पिकीसी असेट्स को नहीं लेते तो करंट लाइबिलिटीज वी आर कंसिडरिंग लॉन्ग टर्म बोरो ऑल्सो वी आर टेकिंग शॉर्ट टर्म बोरिंग्स ऑल्सो वी आर टेकिंग लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में क्या आता है डिवेंचर्स शॉर्ट टर्म बोरिंग में क्या आता है बैंक ओवर ड्राफ्ट ठीक करंट लाइबिलिटीज क्रेडिटर्स विल्स पेबल आउट वगैरह सब वहां पे आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज डेबिटेड इन केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स तो जब हम एक्सपोर्ट करते हैं मैंने बहुत कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन लाए हैं कभी डेबिट पूछ रहा है कभी क्रेडिट पूछ रहा है लेकिन ये सारी चीजें अगर आपकी बेसिक्स क्लियर होंगे तो आपको ये सारी चीजें सॉल्व करने में बहुत सिंपल लगेगा और बेसिक्स क्लियर भी नहीं होंगे तो ये जो एम है ये मैंने इस तरीके से लाए हैं ताकि आपके बेसिक्स के ऊपर थोड़ा काम हो सके बेसिक्स आपके क्लियर हो सके ताकि पेपर में कहीं से भी एम एग्जामिनर प्रिपेयर करके पूछे आपको उसके बारे में आंसर ऑलरेडी पता हो पिक्स ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज डेबिटेड इन केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स तो एक्सपोर्ट जब हम करते हैं तो एंट्री क्या होती है एक्सपोर्ट हम जो करते हैं तो एंट्री काफी सिंपल है तो एक्सपोर्ट सेल्स के बारे में यहां पे डेबिट पूछ रहा है तो एंट्री बनेगा एंट्री आपका बनता है सन्ड्री डेटर्स एक्सपोर्ट सेल्स ठीक है जिसको हम पार्टीज अकाउंट डेबिट टू एक्सपोर्ट सेल्स भी कहते हैं यहां पे बोला है पार्टीज का नाम अगर नहीं दिया तो वी विल बी राइटिंग सनड्री डेटर्स तो एंट्री विल बी सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट टू एक्सपोर्ट सेल्स बट इन द क्वेश्चन इट इज आस्क एज डेबिटेड तो सन्डरी डेटर्स आपका डेबिट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर इलेवन फॉलोइंग अकाउंट इज डेबिटेड फॉर एडवांस रिसीव्ड इन केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स अंडर फॉरन एक्सचेंज तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा एडवांस रिसीव्ड तो मैंने आपको सिंपल ट्रिक बताया था जब हमें एडवांस मिलता है तो बैंक अकाउंट हमेशा डेबिट होता है जब हम एडवांस पे करते हैं तो बैंक अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है तो इसका राइट right आंसर बनेगा बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड ठीक है तो सिंपल क्वेश्चन था लेकिन बेसिक काफी इंपॉर्टेंट

लिया है और मैंने आपको लिस्ट के बारे में भी बताया था कि जो लिस्ट मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वो आप एक बार पढ़ लेना विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट बिलोंग टू प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स अंडर प्रेफरेंशियलेशन ऑफ द कंपनीज लिस्ट सी लिस्ट डी लिस्ट ई और लिस्ट एच इसके लिए आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा बिकॉज ये सारे लिस्ट कन्फ्यूजिंग लगते हैं राइट आंसर इसका है लिस्ट सी देखो मैंने लिखा है लिस्ट सी इज रिलेटेड विथ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स

सिक्योर्ड क्रेडिटर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर या पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रेफरेंशियल क्रेडिटर तो हो सके तो बुक्स में जितने भी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के बारे में पॉइंट्स दिए हैं उसको एक बार पढ़ लेना वहां से एमसीक्यू बन सकता दैट इज एनी सम ड्यू टू एन एम्प्लॉय आउट ऑफ प्रोविडेंट फंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इन केस ऑफ दी आईपीओ दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग इन केस ऑफ द दईपीओ इफ द शेयर आर नॉट सब्सक्राइब अप टू डैश द होल मनी नीड्स टू बी रिफंडेड तो मैंने आपको बताया था काफी सिंपल पॉइंट है यहाँ पे कि जब आई पी ओ होता है दिस इज फ्रॉम द चैप्टर ऑफ अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स तो जो भी आई पी ओ होता है उसका नाइन्टी परसेंट जो भी मनी है वो सब्सक्राइब्ड होना चाहिए अगर नहीं हुआ तो पूरा का पूरा पैसा रिफंड देना पड़ेगा इसलिए कंपनी रिस्क नहीं लेता है और अंडर राइटर्स का हेल्प लेता है और अंडर राइटर्स क्या करते हैं नाइन्टी परसेंट सब्सक्राइब करेंगे इस बेसिस पे ही वो अंडर रिटर्न होता है इश्यू दैट इज द पॉइंट नाइन्टी परसेंट आपको याद रखना नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन पिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट इनमें से कौन सा पॉइंट रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होता है इक्विटी शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस सन्ड्री डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल तो ध्यान रखना इक्विटी शेयर कैपिटल तो ट्रांसफर होगा इक्विटी शेयर होल्डर्स के क्रेडिट साइड में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ट्रांसफर होगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के क्रेडिट साइड में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ट्रांसफर होगा इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट का जो लेजर बनता है उसके डेबिट साइड में तो बचा ऑप्शन हमारे पास लास्ट सन्ड्री डेटर एंड बिल्स रिसीवेबल तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में हम सारे सन्ड्री अट्स को ट्रांसफर करते हैं एंड वी आर पासिंग दी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्डरी असेट्स अकाउंट तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में सन्ड्री असेट आते हैं रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में सन्डरी लाइबिलिटीज आते हैं तो यहाँ पे राइट right आंसर बनेगा आपका सन्ड्री डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल क्वेश्चन नंबर सेवेंटी पिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड वाइल कैलकुलेटिंग परचेज कंसिडरेशन एज पर नेट्स मेथ वेन एवर वी आर यूजिंग द नेट असेट्स मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द परचेज कंसिडरेशन वी आर डूइंग वॉट वी आर कैल्कुलेटिंग ऑल दफ्टर टेकिंग ओवर दी आर डिडक्टिंग द लाइबिलिटीज टेकन ओवर तो हम असेट्स टेकन ओवर का टोटल करते हैं उसमें से लाइबिलिटीजन ओवर को माइनस करते हैं वी आर गेटिंग द आंसर एज परचेज कंसिडरेशन तो इनमें से कौन सा असेट लिया नहीं जाएगा इन्वेस्टमेंट्स सनड्री डेटर्स प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस एंड इन्वेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस इन्वेस्टमेंट एक बार रिपीट हुआ तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स तो ऑप्शन है नहीं सन्ड्री डेटर्स और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस देखते हैं तो इसमें से राइट right आंसर आपका बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस इज वन काइंड ऑफ फिक्टीशियज असेट या मिसलेनियस एक्सपेंस विच इज नॉट टू बी टेकन देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन दी अनमार्क एप्लीकेशन आर डिस्ट्रीब्यूटेड एमॉन्ग दी अंडर राइटर्स एज पर नेट लाइबिलिटी रेशो ग्लॉस लाइबिलिटी रेशो परचेज रेशो या शेयर्स रेशो वेरी इंपॉर्टेंट ंग इन द चैप्टर ऑफ अंडर राइटर्स अंडर राइटिंग ऑफ शेयर वन इज कॉल्ड एज मार्क एप्लीकेशन जिसपे अंडर राइटर्स का स्टैम्प रहेगा उसे हम मार्क एप्लीकेशन कहते हैं और जिसके ऊपर अंडर राइटर का कोई भी स्टैम्प नहीं है उसे हम अनमार्क एप्लीकेशन के बेसिस पे जानते हैं तो जो भी आपके अनमार्क एप्लीकेशन होंगे वो हमारे जो अंडर राइटर्स होंगे उसको ही उसका बेनिफिट मिलता है लेकिन वो कौन से रेशियो में डिवाइड होता है ये क्वेश्चन में पूछा गया है क्या वो नेट लाइबिलिटी में डिवाइड होता है या ग्रॉस लाइबिलिटी में डिवाइड होता है परचेज रेशो और सेल्स रेशो एक ऑप्शन है हमारे पास लेकिन वो तो हमारा आंसर नहीं है तो इसका राइट right आंसर बनेगा ग्रॉस लाइबिलिटी का जो रेशो रहेगा आपका तो ग्रॉस लाइबिलिटी के रेशो में ये सारी चीज़ें डिवाइड होगी अनमार्क एप्लीकेशन दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स में इसको जरूर शेयर करें ताकि उनको भी उनके प्रिपेरेशन में थोड़ा सा हेल्प हो पाए और उनके कंसेप्ट को क्लियर करने में वीडियोज काफी हेल्प करेंगे तो अगले बार मिलेंगे न्यू सेशन के साथ न्यू वीडियोज के साथ थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू बाय बाय टेक केयर एज ऑलवेज वर्क हार्डर बी स्मार्टर